नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड। मीरा भाईंदर। मीरा भाईंदर शहर के 115,000 लोगों को हर साल अपने गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए कल्याण जाना पड़ता था। करीब 50 किलोमीटर दूर जाकर उनका डीजल पेट्रोल का खर्च भी होता था, उनका समय भी जाता था। नागरिकों की समस्या को देखते हुए शिवसेना MLA प्रताप सरनाइक ने राज्य सरकार के मंत्री और संबंधित अधिकारियों से पत्र व्यवहार किया और इस समस्या का निराकरण करने के लिए हर वो प्रयास किया, जिसके चलते आज ये सुविधा हम मीरा भाईंदर शहरवासियों को उपलब्ध हुई है। आप देख सकते हैं कि ये एक छोटा सा कार्यालय है। इसी कार्यालय के माध्यम से हर साल जो करीब 115,000 गाड़ियाँ रिन्यू के लिए जाती है या फिटनेस पाने के लिए उन्हें कल्याण में जाना पड़ता था, उनका ट्रायल भी हुआ करता था। ये एक ट्रैक बनाया गया है RTO द्वारा, महानगर पालिका ने बना कर दिया है। ये ट्रैक पर ही गाड़ियों की ट्रायल होगी, यहीं पर उनका तमाम चीज़ें देखी जाएगी, चेक की जाएगी और उन चीज़ों को देखने के बाद में गाड़ियों के उन तमाम चीज़ों को समझने के बाद में RTO उन गाड़ियों को फिटनेस सर्टिफिकेट देंगे। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काशी मीरा का ये घोड़बंदर का परिसर का वो इलाका है जहाँ पर JP इंफ्रा की इमारत है और उसी इमारत के पीछे ही ये ट्रैक बनाया गया है। ये ट्रैक और ये ऑफिस बनाने के लिए शिवसेना MLA प्रताप सरनाइक द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए हैं, आइए हम उनसे जानते हैं। और साथ में ही मनपा प्रशासन भी भविष्य में किस तरह से RTO के साथ में मिलकर काम करेगी, ये भी हम जानते हैं मनपा आयुक्त तो दिलीप ढोले से। मीरा भाईंदर महानगर पालिका की प्रथम नागरिक आदरणीय ज्योत्नाताई हसनाड़े और हमारे लोकप्रिय कमिश्नर श्री दिलीप जी ढोले और गायकवाड़ साहब, इनकी उपस्थिति में आज मीरा भाईंदर शहर में ये जो ट्रैकिंग ट्रैक है उसका उद्घाटन समारोह संपन्न हुआ। खासतर मैं इन दोनों का दिल से धन्यवाद देता हूँ कि महानगर पालिका का ये जो रास्ता है वो रास्ता हमारे मीरा भाईंदर शहर के जो ट्रक है, टेम्पो है, थ्री व्हीलर है, उन लोगों के लिए उन्होंने उपलब्ध करके दी। आपको शायद पता नहीं होगा मगर 70,000 ट्रक, 10,000 बसेस और 25,000 हमारे ऑटो रिक्शा और 10,000 के आसपास ये जो टूरिस्ट गाड़ियां होती है, ऐसे 115,000 गाड़ियां यहां से नांदिवली तक, यानी ठाणा से भी आगे करीबन 1.5 घंटा उसे जाने के लिए लगता है। तो इन लोगों को बहुत तकलीफ हो रही थी, पिछले कई सालों से ये लोग हमारे पीछे लगे थे कि ट्रैक अगर उपलब्ध होगा तो हमारी अधिकारी वर्ग यहाँ पे बैठेंगे और पासिंग वहीं के वहीं करके देंगे, मगर जगह उपलब्ध नहीं होती थी। दिलीप ढोले साहब को मैंने जब ये विनती की तो उन्होंने कहा कि जरूर हम करके देंगे और उसके लिए हमने मंत्रालय में आदरणीय अनिल परब जो हमारे परिवहन के मंत्री जी है उनके साथ में अर्थसंकल्पीय अधिवेशन के कार्यकाल में एक बैठक ली। उस बैठक में परिवहन के कमिश्नर जो ढाकने साहब है वो भी आए थे और उसी दौरान तय हो गया कि 1 मई को इस ट्रैक का ओपनिंग किया चाहिए और करना चाहिए और उसके लिए जो परमिशन है महानगर पालिका से वो मिलना चाहिए। तो हमारे सभी खंबीत साहब है, शेड़के साहब है, इन्होंने जो पत्र व्यवहार है वो करके ये जो रास्ता है उसका आधा पार्ट मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने RTO के लिए टेम्पररी बेस पे दिया है। उसकी वजह से 115,000 करीबन गाड़ियों का जो पासिंग है वो आज से मीरा भाईंदर शहर में ही होगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हमारे महापौर मैडम को, हमारे आयुक्त साहब को, गायकवाड़ साहब को और ख़ासतर हमारे परिवहन के मंत्री आदरणीय जिन्होंने इसके लिए परमिशन दी, वो अनिल परब साहब और ढाकने साहब, इन सभी लोगों का मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ कि लोक प्रतिनिधि के तौर पर हमारी जो मांगे रहती है वो इन लोगों ने पूरी की और आज बहुत सारे लोगों को इसका फ़ायदा होगा। समय की बचत होगी, पैसे की बचत होगी और लोगों को जो यहाँ वहाँ जाने का जो तकलीफ होती है थी वो दूर हो जाएगी। और ख़ासतर 115,000 अगर गाड़ियाँ ये ठाणे के लिए यहाँ से अगर दौड़ती है, भले साल में दौड़ती है मगर उसकी वजह से जो ट्रैफिक की समस्या निर्माण होती है वो समस्या भी कुछ पैमाने पे कम हो जाएगी, तो बहुत सारे लोगों का इसमें फ़ायदा होने वाला है। इसलिए RTO के सभी अधिकारी और महानगर पालिका के सभी लोगों का मैं दिल से इस परिसर का लोक प्रतिनिधि होने के तौर पर धन्यवाद देता हूँ। देखिए राजनीति में तो होता ही है, भले अभी इस मंच पे तो हम अलग अलग पार्टी के लोग बैठे हैं मगर कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं कि उनको शायद पता नहीं होता है किसने काम कभी किया। अभी मैं क्या होता है कि यहाँ पे MLA जो है 145 में वो खाली उनको एक एक टर्म ही मिलता है, 5-5 साल से ज़्यादा मिलता नहीं है और मुझे 3 टर्म मिला है। तो मैं 2009 से यहाँ पे चुन के आया हूँ,
तो उनको शायद कहीं पता नहीं होता है, उनको कोई लोग मिसअंडरस्टैंडिंग उनकी हो जाती है कि ये काम इन्होंने नहीं किया, मगर 15 साल से जो मैं काम करते आ रहा हूँ तो आज अगर फॉलोअप करूँगा तो उसका जो फल है वो 2-3 साल 5 साल के बाद में मिलता है। तो उनका शायद गलत फहमी किसी को होती है, इसलिए वो वीडियो वगैरह प्रदर्शित करते हैं, मगर मैं उसे कोई गैर नहीं मानता हूँ। भले उनकी ओर से शहर को फ़ायदा होता है, मुझे तो लोग चुन के ही देते हैं, मगर किसी के सपोर्ट से अगर शहर का फ़ायदा होता है, शहर के लोगों का फ़ायदा होता है, तो उसके लिए मुझे खुशी है। नहीं नहीं, तो क्या आपका ये कहना है सर कि काम आप करते आ रहे हैं इतने तीन? नहीं, ऐसा नहीं, देखिए हर राजकीय पार्टी के लोगों का वो अधिकार होता है, हर पॉलिटिशियन का वो अधिकार होता है, लोगों को पता होता है कौन सा काम किसने किया। मगर आजकल मुझे ये, इसलिए मैंने कहा था मेरे लोगों को भी कि बाबा हम जो काम करते हैं इसके पुराने वीडियो भी रखते जाओ, ताकि ऐसे वीडियो जब भी प्रदर्शित होते हैं तो हमको लोगों को दिखाने के, वह ये 3 साल पहले 4 साल पहले 5 साल पहले किया था, आप शायद पता नहीं रहेगा, मगर 2009 साल जब भी आया था और मैं पहली बार विधानसभा के विधान चुनाव के लिए खड़ा था, बहुत सारी चीज़ें जो है अभी तैयार हो गई है, वो बहुत सारे चीज़ों का जिक्र मैंने 2009 साल में किया था। लोगों को तभी सपना लगा था ये मेट्रो मोनोरोल, ये सपना लगा था, मगर आज वो हकीकत में हो रहा है। हमारे शहर के माननीय आमदार सरनाइक साहब ने इसकी मांग की थी। मेरा भाईंदर शहर की जो गरज है कि यहाँ की जितने भी व्हीकल्स है उसके लिए पासिंग के लिए थाना में जाना पड़ता था, उसके लिए उनका एक दिन पूरा ख़राब होता था, उस प्रकार उसके आर्थिक नुकसान भी होता था। इसलिए आज इस जगह पर अगर पासिंग सर्टिफिकेट मिलेगा तो बहुत ही अच्छा काम होगा, और मेरा भाईंदर की इस जनता के लिए ये बहुत ही अच्छा निर्णय है, और प्रशासन के अधिकारी हमारे आयुक्त दिलीप डोले जी ने भी इसके लिए सहयोग दिया है, हमारे सभी लोकल प्रतिनिधि उन्होंने भी सहयोग दिया है, और बहुत अच्छा कार्य आज इस शहर के लिए हो रहा है। बड़ी खुशी की बात है अगर मेरे कार्यकाल में ये इमारत बनती है तो, और मैं आमदार जी को धन्यवाद दूंगी कि आप भी अपनी तरफ से कोशिश कीजिए, प्रशासन की तरफ से प्रशासन कोशिश करेंगे, हमारे सभी नगर सेवकों के माध्यम से हम सभी कोशिश करेंगे, और जल्दी से जल्दी वो इमारत अगर पूरी होती है तो बहुत ही खुशी की बात है, और अच्छा अच्छे काम मीरा भाईंदर शहर में होने चाहिए। जैसे कि हमारे सुविधा रास्ता लाइट गटर ये तो काम तो होते रहते हैं, फिर उसके अलावा भी जनता को और कोई सारी सुविधा चाहिए रहती है, तो आमदार जी भी बहुत कोशिश करते हैं, और मैं चाहती हूँ इसी तरह महाराष्ट्र राज्य शासन की तरफ से हमें सहयोग मिलेगा तो मीरा भाईंदर शहर और भी अच्छा और सुंदर दिखेगा और बहुत सारी सुविधा जनता को मिलेगी। जितना जितना गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं था, आरटीओ डिपार्टमेंट के साथ संबंधित जो कॉन्टैक्ट रहे उन्होंने उनके साथ संपर्क करके उनका फिटनेस सर्टिफिकेट भी प्रोड्यूस कर दिया है, और इसके अंदर काफ़ी सुधार। जो रास्ता दिख रहा है यहाँ जो 2 ट्रैक बन रहे हैं उसके बाजू में जो जगह खाली है उसके अंदर हम जो प्लांट, अभी बारिश के सीजन में आने वाले 1 जून महीने में यहाँ अच्छी तरह से प्लांटेशन फ्लावर्स का प्लांट और अलग अलग लगाएंगे, उसके फ़ायदा पोल्यूशन कम करने में हो जाएगा, साथ साथ जो खाली ज़मीन दिख रहे उसके ऊपर ब्यूटिफिकेशन भी हो जाएगा, और यहाँ आने वाले नागरिकों को जो फिटनेस के लिए आते हैं वो सब नागरिकों को अच्छा भी लगेगा। जो यहाँ के विधायक सम्माननीय प्रताप सरनाइक साहब ने अभी अपने भाषण में बोला कि मीरा भाईंदर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जैसा न्यू बॉम्बे में है और बाकी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में बड़ा बड़ा बिल्डिंग है वैसा रोड के बाजू में होना चाहिए, उसके लिए यहाँ एम्यूनिटीज़ या बोलते प्लॉट जो अपने को अवेलेबल हो चुका है JPC, उसके बाजू में हमने गार्डन का प्लॉट भी जो पब्लिक गार्डन था उसके लिए वो दोनों असेंबलिंग कर दिया है, तो काफ़ी अच्छी तरह से 2 एकड़ के करीब का 7-8 हज़ार स्क्वायर मीटर का भूखंड यहाँ उपलब्ध करवा दिया है, उसका बेसिक जो तैयारी है वो तो अभी चालू है और बहुत ही जल्दी उसको अंतिम स्वरूप दिया जाए। आने वाले भविष्य में समझो 10-12 माले की बड़ी बिल्डिंग रहेंगे, नीचे अलग अलग स्टील पार्किंग रहेगा, हर एक के लिए अलग अलग कक्ष रहेगा, जैसा कि महापौर का अलग रहेगा, देन अलग अलग डिपार्टमेंट का रहेगा, जैसा पत्रकारों का रहता है, हर एक को इधर अच्छी जगह मिलने के बाद और ये कंस्ट्रक्शन होने के बाद काफ़ी अच्छी तरह से ये बिल्डिंग बन जाएगा, तो आने वाले वो गुजरात से लेकर बम्बई तक जाने वाले मेन रोड पे रहेगा, इससे मीरा भाईंदर की एक अलग पहचान हो जाएगी। कंस्ट्रक्शन TDR से हम करने वाले हैं, जैसा ऑडिटोरियम इधर बनाया गया तो किसी बिल्डर को कंस्ट्रक्शन TDR देने के बाद वो कंस्ट्रक्शन TDR से बिल्डिंग बनाया जाएगा, उसका फर्नीचर एंड फिक्सर किया जाएगा, उसके कारण मीरा भाईंदर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का पैसे का बचत भी हो जाएगा और एक अच्छी वस्तु अच्छी बिल्डिंग मीरा भाईंदर के लिए तैयार हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट कैटेगरी की जो व्हीकल्स है, मतलब ऑटो रिक्शा, टैक्सी, बस, ट्रक, ये इन वाहनों को हर साल उनका योग्यता प्रमाण पत्र नूतनीकरण करना ज़रूरी होता है, जिसे हम डे टू डे लैंग्वेज में
जिसे पासिंग करना बोलते हैं, तो उनको हर साल गाड़ी का पासिंग करना ज़रूरी है। ये योग्यता प्रमाण पत्र नूतनीकरण के लिए ये कार्यालय शुरू हुआ है, उसके लिए 250 मीटर्स बाय 6 मीटर्स का एक ट्रैक, ऐसे दो ट्रैक्स महापालिका की तरफ से हमें दिए गए हैं। और यहाँ पे गाड़ियों का ब्रेक टेस्ट, हेडलाइट टेस्ट, बाकी सब टेक्निकल उनके टेस्ट लेके उनको योग्यता प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। यहाँ पर हमारे 4 इंस्पेक्टर अभी है, और अभी जैसे भी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स जारी की जाएगी, लोग ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स लेते हैं, उसके मुताबिक 2 से लेके 8 तक ऑफिसर्स यहाँ पे नियुक्त किए जाएंगे। नागरिक को आज मैं प्रथम महाराष्ट्र दिवसाचा सभी को हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ, और आज कामगार दिन भी है, कामगार दिन का भी हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ, क्योंकि रोजी रोटी ये आज RTO का ऑफिस यहाँ मीरा भाईंदर में खोलने के कारण ये बहुत हमारे रिक्शा वाले भाई हुए या टैक्सी वाले, इनको भी रोजी रोटी यानी कामगार दिन आज है, और कामगार दिन के दिन आज हमारे विधायक आमदार प्रताप सरनाईक साहब, हमारे संपर्क प्रमुख, उन्होंने आज मीरा भाईंदर को सभी शिवसेना वाले खुशी हुआ है, लेकिन नागरिक भी आज बहुत खुश है कि आज इतना अच्छा दिन है सभी नागरिकों को, क्योंकि 1,25,000 के करीब यहाँ से डोंबोली तक जाते थे, वो यहाँ ही मीरा भाईंदर के अंदर ये सब सुई सुविधा मिलेगी। इसके लिए तहे दिल से हमारा शिवसेना के वते से एक शिवसैनिक बोल के मैं और हमारे सब साथी सरनाईक साहब को एक धन्यवाद देता हूँ, और आपके माध्यम से जितना कार्य सम्राट आमदार तो है, लेकिन आज का दिन इतना मुहूर्त है, और पवित्र रमजान का भी दिन अभी चालू है, आखिर 1-2-3 दिन है, मैं महाराष्ट्र दिनाच्या शुभेच्छा दिल्यास कामगार दिनाच्या दिल्या, पण रमजान का भी शुभेच्छा आज मैं आपके माध्यम से सभी को देना चाहता हूँ। मीरा भाईंदर शहर बहुत तेज़ी से विकास कर रहा है, यहाँ के लोगों की जो समस्या है उन समस्याओं का समाधान भी हमारे शहर के लोक प्रतिनिधि करते आ रहे हैं। शहर के लोग काफ़ी सारी तकनीकी और सरकारी सुविधाओं के लिए परेशान होते हैं, उन्हें जूझना पड़ता है, ये भी उन्हीं में की एक परेशानी थी, जिसके चलते शिवसेना के MLA प्रताप सरनाईक ने इस परेशानी को दूर करते यहाँ पर इस ऑफिस को लेकर आया, ताकि हमारे नागरिकों को कल्याण ना जाना पड़े, उनका पैसा भी बचे और उनका समय भी बचे। इसी तरह के अनेक योजनाएँ हैं जो हमारे मीरा भाईंदर शहर में लाई जा रही है। हमारे शहर के लोक प्रतिनिधि लगातार विकास का कार्य करते आ रहे हैं, चाहे वो BJP के लोक प्रतिनिधि हो जो मनपा में बैठते हैं, या फिर शिवसेना के लोक प्रतिनिधि जो राज्य सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं। कुल मिलाकर हमारे मीरा भाईंदर शहरवासियों को सुविधाएं मिलते जा रही है, यहाँ शहर का विकास भी होते जा रहा है, और ऐसे में मनपा आयुक्त तो जो सुबह 7 बजे से उठकर रात 10-11 बजे तक काम करते हैं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारे शहर के इस विकास को लेकर। चर्चा का विषय अलग हो सकता है कि उनके कामों पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन शहर में तो जो साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर विकास बड़े तेज़ी से हो रहा है। अब विकास का श्रेय हर नेता लेने में लगे हुए हैं अपने अपने तरीके से, जिसका खुलासा MLA प्रताप सरनाईक ने भी किया है। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।